So hello my beautiful and lovely friends, welcome back to my YouTube channel Spring with Ekta Singh. सो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये है 20 साल पुराना सिरामिक पाइप जिसको मैंने 20 साल पहले डेकोरेट किया था कुछ ऑयल पेंट और सिरामिक के, उस टाइम पे सिरामिक पाउडर से उसका आटा गूंज के उसके फ्लावर्स वगैरह बनते थे, तो उससे मैंने इसको डेकोरेट किया था। तो आज मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना हम इसको दोबारा से रीयूज़ करें, बहुत अच्छे से इसकी पूरी काया पलट कर दूँ मैं। इसमें देखिए आप, स्टैंड की तरह मैंने इसे बनाया था मार्बल लगा के, और मैं ऐसा सोच रही हूँ कि ये सब फ्लावर्स वगैरह आप देख रहे हैं बहुत पुराना हो गया है, तो कुछ कुछ जगहों से निकल भी गए, तो इनको सबको निकाल के बहुत अच्छे से दोबारा मैं इसको यूज़ करना चाहती हूँ कुछ नए स्टाइल में, यूनिक स्टाइल से। तो चलिए अब हम इसी को रीयूज़ करेंगे और एक नया स्टैंड बनाते हैं। सबसे पहले इस स्टैंड पे जितने भी ये थोड़े बहुत फ्लावर्स लगे हुए हैं इनको निकाल के सैंड पेपर की हेल्प से रब कर लेंगे। पाइप को बहुत अच्छे से रब करने के बाद हम फेविकॉल और वॉल पुट्टी की हेल्प से हम एक पेस्ट रेडी करेंगे। वॉल पुट्टी को हम एक डोंगे में निकालेंगे और उसमें हम MR फेविकॉल और पानी मिक्स करते जाएंगे। पहले MR फेविकॉल मिक्स करेंगे, MR फेविकॉल की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए और पानी की थोड़ी कम होनी चाहिए। ऐसा पेस्ट बनाएंगे जो बहुत पतला हो और पेंट ब्रश की हेल्प से पूरे पाइप पे हम बहुत अच्छे से स्प्रेड कर सकें। अब हम हमारे इस पाइप के ऊपर पेंट ब्रश की हेल्प से इसे बहुत अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, और हमें इसका पूरा ध्यान रखना है कि ये जो वॉल पुट्टी हम इस पर लगा रहे हैं इसका हमें डबल कोट करना है, और डबल कोट होने के बाद इसे सूखने के लिए छोड़ देना है। ये देखिए, इसके ऊपर सिंगल कोट हो चुका है, मैं फटाफट से डबल कोट करके इसे सूखने के लिए रख देती हूँ। अब ये बहुत अच्छे से सूख चुका है और अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन ट्रेस करेंगे। तो कुछ डिज़ाइंस मैंने गूगल की हेल्प से निकाली हैं, जैसे ये एलिफेंट है छोटा था तो थोड़ा बड़ा ट्रेस करवा लिया है, और इसके साथ में ये काऊ है और ये ट्रायंगल है, और इसके अलावा कुछ डिज़ाइन हमें टेप की हेल्प से मार्क करके बनानी होगी। तो चलिए अब हम फटाफट से अपनी डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। इनको साइड रख देते हैं उठा के। इसको डिज़ाइन को ट्रेस करने के लिए टेप की हेल्प से पहले हम मेजर करेंगे बॉटम। बॉटम हमारा 2.5 इंच का है, तो मैं 1/2 इंच नीचे से छोड़ते हुए 1-1 इंच का मार्जिन लेके इसको ट्रेस करना स्टार्ट करूँगी। ये देखिए, इसको इस तरह से आपको मार्क लेना है। नीचे मैंने मार्जिन छोड़ा है और 1-1 इंच का मैंने मार्जिन पॉइंट बना लिए हैं, और इसी टाइप से पूरे राउंड पे हम बहुत अच्छे से मार्किंग करते हुए टेप की हेल्प से हम राउंड क्रिएट करेंगे हमारा। ये देखिए, इस टाइप से आपको पूरी मार्किंग करते जाना है बहुत अच्छे से ये, और जब आपकी ये मार्किंग होती जाए तो आपको लाइंस बनाते जाना है, पूरा सर्कल हमें क्रिएट करना है। ये राउंड है तो इसको बनाने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, पर कोई ना, देखिए बहुत अच्छे से ट्रेस हो जाता है, बहुत अच्छे से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। अब जैसे मुझे ये एलिफेंट इतना बड़ा चाहिए, तो मैं पहले एलिफेंट का जो मेरा कितना साइज़ है उसको नापूंगी और उसके अकॉर्डिंग मैं अपना बॉक्स रेडी करूंगी। इसी तरह से हमें काऊ का भी रेडी करना है। अब ये देखिए कितने अच्छे से मार्क हो जा रहा है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है और कुछ नहीं है, क्योंकि स्क्वायर सरफेस के ऊपर इजीली, जो आपकी फ्लैट सरफेस होती है उस पर बहुत इजीली हो जाता है, पर राउंड सरफेस पे करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। इसीलिए मैंने स्केल ना लेके टेप लिया है, क्योंकि राउंड सरफेस है तो टेप अच्छे से राउंड हो जाता है, पर स्केल राउंड नहीं हो सकती है। तो मैंने टेप की हेल्प से ये सारी चीज़ें की हैं। अब मुझे कितना बड़ा बॉक्स बनाना है एक एलिफेंट के लिए उसकी मार्किंग कर रही हूँ मैं, और इसी तरह से हम एलिफेंट के भी सारे बॉक्सेस बना के रेडी कर लेंगे। ये इस तरह से आई थिंक ये मेरे 4 बॉक्सेस बन के रेडी हो रहे हैं एक पाइप के ऊपर। तो ये 6 इंच का पाइप है मेरा सिरामिक पाइप, आप 8 इंच का भी ले सकते हैं। ये इस तरह से ये हो गया। इसके बाद हम काऊ का करेंगे। काऊ के बाद में आप जो भी डिज़ाइन इसमें डालना चाहते हैं उसका, जैसे ये ट्रायंगल मुझे चाहिए, ये स्क्वायर मुझे चाहिए, इसमें ट्रायंगल शेप बनाऊंगी मैं स्क्वायर में, तो इसकी भी मार्किंग कर ली मैंने बहुत अच्छे से। इसी तरह से आपको सारी मार्किंग्स कंप्लीट करनी है अपनी। ये
अब ये काऊ मेरा यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे ये काऊ है मेरी, ये कामधेनु है, इसके साथ में इनका बछड़ा भी है तो मैं उसको भी ले रही हूँ। कितने अच्छे से हमारी ये पूरी डिज़ाइन बन के रेडी हो गई है। अब बारी है इन फिगर्स को, जहाँ पे हमें ट्रेस करना है उसकी मार्किंग करना है हमें। ये मैंने मार्क कर लिया है मुझे मेरी कौन सी फिगर कहाँ पे ट्रेस करनी है, और फिगर को ट्रेस करने के लिए कार्बन पेपर के साथ अटैच कर रही हूँ। फिगर के साइज़ का ही कार्बन पेपर मैं ले रही हूँ, उससे बड़ा कार्बन पेपर नहीं लूँगी। कार्बन पेपर को मैं फिगर के साथ में टेप की हेल्प से चारों तरफ से फिक्स कर दूँगी, ताकि मेरा कार्बन पेपर बिल्कुल भी हिले नहीं जब मैं ट्रेसिंग करूँ। जैसे मैं इसको लगा रही हूँ इसके साथ में, आप देख रहे हैं ऐसे आपको फोल्ड करके लगा देना है टेप के साथ में। इसी तरह से आपको ये और बाकी की दो फिगर्स को भी फिक्स कर लेना है। आप दो से ज़्यादा फिगर्स भी ले सकते हैं। ये देखिए फिक्स हो गया है। और अब मैं करूँगी फिगर को ट्रेस करना स्टार्ट। इससे बहुत इजी हो जाएगा, एक्सेस जो कार्बन है वो नहीं वहाँ पे लटकेगा। मेरा पाइप वाइट कलर का है, कई बार कार्बन की वजह से ब्लू हो जाता है, वो भी नहीं होगा। और थोड़ा आराम से आप इसको ट्रेस करिए, बहुत अच्छे से ट्रेस हो जाएगा आपका। ये देखिए मेरा ये ट्रेस हो गए हैं, सारे फिगर्स मैंने बहुत अच्छे से ट्रेस कर लिए हैं। ये मेरे फिगर ट्रेस हो गए हैं, और ये जो स्क्वायर जगह बची है इसमें मैं अब अपनी ट्रायंगल वाली डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करूँगी, और वो भी स्केल की हेल्प से, थोड़ा आराम से, नहीं तो स्केल टूट सकती है। और इसमें राउंडर की भी हेल्प आएगी, क्योंकि राउंडर से ही वो पूरे सर्कल्स इसमें बनेंगे, क्योंकि मैं इसमें सर्कल्स बना रही हूँ, हाफ सर्कल्स क्रिएट करने हैं हमें। इसी तरह से हमें हमारे स्क्वायर में ट्रायंगल डिज़ाइन रेडी करनी है। जब ट्रायंगल डिज़ाइन रेडी हो जाएगी, उसके बाद में फिगर्स के आजू बाजू में जो भी एक्सेस जगह बची हुई है उसमें भी हम डिज़ाइन बना देंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा घना बनाना है। और इसके बाद में नीचे जो हमारी काऊ बनी थी उसके बगल में भी थोड़ी सी जगह बची थी, तो उसमें हम सर्कल की डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन रेडी हो जाने के बाद में हमें रेडी करने हैं कोन, और हम किसी भी पैकेट से कोन रेडी कर सकते हैं। बहुत सारे कोन्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें इसमें, इसलिए आप कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कोन बना लें, ताकि हमें कोन की कमी ना हो। ये देखिए मैंने कोन बना लिया है, और ये रहे मेरे सारे कोन। अब इन कोन में पेस्ट भरने के लिए हमें वॉल पुट्टी और एमआर फेविकॉल का एक घोल रेडी करना है। मेहंदी के थिकनेस के अकॉर्डिंग हमें इस घोल को रेडी करना है, क्योंकि ये कोन में भरा जाएगा। ये देखिए बनके रेडी हो गया है, इसमें पानी मत मिलाइएगा, और कोन में भर के इसे टाइट पैक कर लीजिएगा। एक बार में एक या दो कोन से ज़्यादा कोन मत बनाइएगा, और उसे बहुत अच्छे से टाइट पैक करके आपको इन फिगर्स के ऊपर उन कोन्स को चलाना है। जो वॉल पुट्टी के कोन होते हैं वो बहुत जल्दी सूखते हैं, इसलिए एक दो कोन ही एक बार में बनाइए। और मुझे इन फिगर्स को देना है 3D लुक, तो मैं इसमें 3 लेयर्स इसमें भरूंगी इसके अंदर। इनको देखिए मैं पूरा फिल कर रही हूँ बहुत अच्छे से, तो आपको ये कोन की हेल्प से ही इसे पूरा फिल करना है। तो बहुत अच्छे से फिल करिए, जब एक बार सूख जाए तब फिर सेकंड लेयर लगेगी, दूसरी लेयर सूख जाएगी तब थर्ड लेयर इसके ऊपर क्रिएट होगी। इस तरह से हमें इसे 3D लुक देना है। फिगर्स के बाद में जो हमारी साइड की डिज़ाइन है उसमें हम मोटा कोन कट करके उसे बनाएंगे। जी हाँ, मोटा कोन कट करिएगा ताकि वो उठ के दिखें, नहीं तो हमारे इन 3D लुक्स, देखिए जो 3D लुक है ये ऐसा आएगा 3 लेयर्स के बाद में। ये 3 लेयर्स के बाद इसका 3D लुक है। अगर हम इसके बाद में हम पतला कोन चलाएंगे आजू बाजू में तो वो दिखेगा नहीं, इसलिए मोटा कोन हम चलाएंगे और बहुत अच्छे से इसको बनाएंगे हम। ये लिप्पन आर्ट भी कहलाता है। जी हाँ, इसमें हम मिरर्स भी लगाएंगे, और जब ये हमारे फिगर्स सूख जाएंगे हम इसमें पेंसिल से इनके जो फिलिंग है, डिटेलिंग है वो करेंगे, और पेंसिल की डिटेलिंग के ऊपर दोबारा से हम कोन से वो डिटेलिंग को हाईलाइट करेंगे। जैसे फेस है, आईज़ है, उनके सींग हैं, ये सब हमें डिटेलिंग के थ्रू दिखाने हैं। अब इसमें जो मैं कोन चला रही हूँ वो बिल्कुल पतला बारीक कोन है, जो मेहंदी का कोन रहता है, ताकि इनकी आईज़ वगैरह बहुत अच्छे से हाईलाइट हो जाए। जैसे एलिफेंट का पूरा ये फिगर बहुत अच्छे से हाईलाइट हो जाए, काऊ की आईज़ हैं, उनका बेल, जो उनके गले में बेल लटका रहता है वो उनका हाईलाइट हो जाए इस तरह से। पर आजू बाजू की सारी डिज़ाइन को मैंने देखे मोटे कोन से हाईलाइट किया हुआ है। सूखने के बाद ऐसे पूरी डिज़ाइन आपकी दिखनी चाहिए।
अब जब ये डिज़ाइन सूख जाएगी हम इसके ऊपर करेंगे वाइट एक्रेलिक पेंट, और ये भी हमें दो लेयर में करना है। एक लेयर सूख जाएगी फिर हम सेकेंड लेयर लगाएंगे। जब दोनों लेयर्स वाइट एक्रेलिक पेंट की सूख जाएंगी, इसे सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हम इसके ऊपर करेंगे गोल्डन स्प्रे पेंट। जी हाँ, मैंने बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया है, तो गोल्डन स्प्रे करने के बाद में आप देखोगे कि कितना खूबसूरत दिख रहा है ये पाइप हमारा। और ये अभी सूखेगा, गोल्डन स्प्रे पेंट को भी सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। इसके सूखने के बाद हम इसमें करना शुरू करेंगे आगे का हमारा और भी जो बचा हुआ काम है वो। तो ये हमारा पाइप सूख गया है और अब हमें फैब्रिक बॉन्ड की हेल्प से हमारे ये सारे मिरर्स जो मैं लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ये लिप्पन आर्ट है तो इसमें मिरर्स को भी स्टिक किया जाता है, तो अब मैं अपने हर छोटे बड़े हर जगह पे जो मैंने डिज़ाइंस बनाई हैं उन सभी जगहों पे मैं अपने मिरर्स चिपकाना स्टार्ट करूँगी। मैंने अपने मिरर्स के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइंस बनाई हैं, आप देख सकते हो कितना अच्छा, मतलब मिरर लगते ही साथ गोल्डन कलर कितना उभर के दिख रहा है एकदम से। तो मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था कहाँ पे मुझे क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग मैं फटाफट अपने सारे मिरर स्टिक करना स्टार्ट कर दूँगी और पाइप को जितना ज़्यादा मैं भर सकती हूँ उतना भरने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा ऑलरेडी से फिक्स था इसलिए मुझे टाइम नहीं लग रहा है ये काम करने में, और फेवी बॉन्ड है तो फटाफट सब सूख जाता है, फटाफट चिपक जाता है, इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। जब ये हो जाए आपका बहुत अच्छे से, आप हर जगह अपने मिरर्स चिपका लें, उसके बाद में हमारा और भी काम बाकी बचता है जो मैं आपको भी आगे बताऊंगी कि हमें और क्या क्या करना है इसमें। आप देख सकते हैं मैंने अलग अलग जगहों पे अलग अलग साइज़ के अलग अलग शेप्स के मिरर लगाए हैं, और ये सभी मिरर्स मैंने मंगाए हैं फ्लिपकार्ट पे से। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी कि आप इस तरह से, ये पूरा कंप्लीट सेट था, इसमें हर साइज़ के मिरर्स हैं, 20 अलग अलग शेप्स हैं मिरर के, तो आप इसे मंगा सकते हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइस में था, तो आप उस लिंक पे जाके ये मिरर्स परचेस कर सकते हैं। क्योंकि भोपाल में तो मुझे इजीली नहीं मिल रहे थे ये लिप्पन आर्ट वाले मिरर, तो मुझे ऑनलाइन ही परचेस करने पड़े। और फिर मैंने इसके साथ यूज़ किया है कुंदन का भी, देखिए मैंने कुंदन भी लगाए हैं अलग अलग जगहों पे, और इस तरह से इसको और एट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लास कलर्स, ग्लास कलर से मैं हाईलाइट कर रही हूँ इन फिगर्स को, और इनको मैं सुखा रही हूँ ग्लास कलर्स को जो हमारा ड्रायर होता है ना उसकी हेल्प से। और फिर उसके बाद मैंने कुछ बीट्स लगाए हैं, लेसेस चिपकाई हैं मैंने, मुझे उसको और हाईलाइट करना था ग्लास कलर का जो ब्लैक कलर होता है उससे। मैंने उनके पैर और पूंछ वगैरह, आईज़ वगैरह जो हैं उन फिगर्स की, उन सबको हाईलाइट किया है। ये देखिए, आप जब भी ग्लास कलर करें वो भी राउंड सरफेस पे, तो उसको ड्रायर की हेल्प से ही सुखाइए, क्योंकि बहुत मतलब ग्लास कलर इधर उधर हो जाते हैं तो वो फिर अच्छा नहीं दिखता है, वो लुक नहीं आता है बहुत अच्छा। ये मैंने कुंदन में लगा दिया और अब आपको मैं इसका फाइनल लुक दिखा रही हूँ ग्लास कलर हो जाने के बाद में, और ड्रायर से सूखने की वजह से और भी बढ़िया गेटअप आया है इनका। ये देखिए, बहुत बढ़िया गेटअप आया है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसके ऊपर क्या करने वाली हूँ, अभी और भी थोड़ा बाकी है तो आगे बने रहिए। तो अब ये हमारा बनके रेडी हो गया है, इसके ऊपर अब हमें फिर से एक अपना मार्बल या कुछ हमें चिपकाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने लिया है ये ग्रेनाइट का टुकड़ा, ये थोड़ा सा पिछली बार वाले से बड़ा है, और इसको हम इसके ऊपर चिपकाएंगे। तो इसको हम किसकी हेल्प से चिपकाएंगे, हम चिपकाएंगे ये एक लोशन आता है उसके हेल्प से, आपको आराम से हार्डवेयर की शॉप पे मिल जाएगा। ये गन होती है उसकी और ये लोशन होता है जिसको इसके अंदर अटैच करके फिर इसको चलाया जाता है गन की तरह से। मैं अभी आपको दिखाती हूँ उसको किस तरीके से यूज करते हैं। ये जो बैक साइड है इसका यूज करेंगे, तो हम बैक साइड की साइड इसको पहले ऐसे रख देंगे अच्छे से, ये हमने रख दिया है। और ये जो हमारा पाइप है इसके ऊपर हम ग्लू लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर बहुत अच्छे से ग्लू लगाएंगे। ये जो ग्लू है ये हमें बहुत भर भर के अच्छे से इसके ऊपर लगाना है, क्योंकि यही ग्लू है जो उस ग्रेनाइट को बहुत अच्छे से पकड़ेगा। अगर आप मार्बल भी लगा रहे हैं या जो भी आप लकड़ी का टुकड़ा भी अगर चिपकाना चाहते हैं तो इसकी हेल्प से ही लगाइएगा, तो बहुत अच्छे से चिपक जाएगा वो। तो ये देखिए मैंने कितना सारा ग्लू लगाया है,
और अब हम इस पाइप को उठा के इस ग्रेनाइट के ऊपर उल्टा करेंगे ताकि वो बीचों बीच में हम चिपका सकें। ग्रेनाइट को नहीं रखेंगे हम इसके ऊपर, उल्टा करेंगे हम। ये देखिए, इससे मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ पे मुझे इसे चिपकाना है। ये बीचों बीच में चिपक गया है। इसके लिए आपको किसी की हेल्प भी लेनी पड़ सकती है। और ये जब चिपक, आपने जब इसको रख दिया इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर आपको रखना है एक कोई भी भारी वज़न। जैसे मेरे पास में ये बिस्लरी की बॉटल्स का कार्टन था, तो मैंने वो कार्टन इसके ऊपर रख दिया है। और अब मैं इसे छोड़ दूंगी पूरे एक दिन के लिए सूखने के लिए। तो मेरा ये स्टैंड बनके रेडी हो चुका है और इसके ऊपर मैंने रखा है अपना खूबसूरत सा तुलसी का पौधा। जी हाँ, मैंने ये स्टैंड अपने तुलसी के पौधे के लिए बनाया था। आप इस तरह के स्टैंड बना के अपने घर में कोई भी डेकोरेटिव आइटम इसके ऊपर रख सकते हैं। जैसी आपकी मर्जी चाहे वैसे आप डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं। तो आपको मेरा ये स्टैंड कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मेरा आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।